ये लेटेस्ट है अभी सर, वो कॉलेज में प्रोफेसर होता है, वो जो आप यूट्यूबर भी इंटरनेशनल बुक अफेयर से क्या क्या लेके आए हो सर आप? देखो भाई, एक तो गांधी की ऑटोबायोग्राफी है जो मैं पढ़ना चाहता था, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये वाली जो मैंने आते टाइम थोड़ी बहुत स्टार्ट भी कर दी है, कुछ मार्किंग भी कर दी आते टाइम स्टार्ट कर दी, इंग्लिश मीडियम। और एक जो मेरी मनपसंद थी APJ अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर, जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, ये भी इंग्लिश मीडियम है। ये भी मेरी बहुत ही ज़्यादा पसंद थी कि मैं ये पढ़ूँ, विंग्स ऑफ फायर, तो ये भी लेके आया हूँ। और एक लेके आया हूँ मैं प्रेमचंद रचना संचयन, ये भी मतलब प्रेमचंद जो है उसको मैं पढ़ना चाहता था कि प्रेमचंद की कथाएं, कहानियां या नॉवल, उपन्यास जो है वो पढ़ूँ, हिंदी मीडियम लेके आया हूँ, ताकि इनमें से मैं थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरी हिंदी वीक है, थोड़ी बहुत हिंदी भी अच्छी कर सकूँ मेरी अपनी लिटरेचर की। तो ये प्रेमचंद का जो प्रेमचंद है, प्रेमचंद का जो रचना संचयन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, वैसे तो स्पेशली मैं गोदान लेने वाला था कि गोदान मैं पढ़ूँ प्रेमचंद का, लेकिन प्रेमचंद की सारी रचनाएं इकट्ठी मिल गई, तो मैंने सोचा कि सारी की सारी जब इकट्ठी मिल रही हैं तो सारी ही ले लेता हूँ, कुछ ना कुछ हिंदी इम्प्रूव होगी मेरी लिटरेचर की। हिंदी जो है, कुछ शब्दावली जो है मेरी हिंदी की बहुत ज़्यादा वीक है, उसको मजबूत करने के लिए, तो ये वाला भी लेके आया हूँ, लास्ट प्रेमचंद रचना संचयन। और दो चीज़ें और लेके आए हैं जो हिंदी मीडियम भी लेके आए हैं, एक यही APJ अब्दुल कलाम वाली विंग्स ऑफ फायर, और एक ये वाली गांधी की द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये वाली लेके आए हैं भाई। ये खजाना जो है इंटरनेशनल बुक फेयर से लेकर के आए हैं। थैंक यू सो मच।